नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जो धान की फसल है इस समय उसमें दानों का भराव हो रहा है। बालियां जो हैं उनमें दानों का जब भराव होता है तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उसकी बालियां सूखने लगती हैं, कुछ इस तरह की दिखाई देने लगती हैं। बालियां सफ़ेद क्यों होती हैं, सूखती क्यों हैं, दानों का भराव उसमें क्यों नहीं होता है, थोथे क्यों रह जाते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे 3 ऐसे कारण जिनकी वजह से हमारी फसल में दानों का भराव अच्छा नहीं होता है, बालियां इस तरह की सफ़ेद दिखाई देने लगती हैं और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा थोथे पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये किन कारणों से होता है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, फुल डिटेल्स जानेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं कि क्या क्या कारण रहते हैं, किन कारणों से ये समस्या हमारी फसल में आती है। जो सबसे पहला कारण है वो है कीटों का अटैक। इसमें क्या रहता है, हमारी फसल पर जब कीट अटैक करता है तो उसके कारण हमारी फसल में दानों का भराव अच्छा नहीं होता है, पैदावार घट जाती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे जो बालियां दिखाई दे रही हैं ये बिल्कुल सूख चुकी हैं। इसमें तना छेदक जो कीट है इसने तने को खाकर ख़त्म कर दिया है। बीज का जब तना कट जाता है तो ऊपर की जो बालियाँ होती हैं पूरी की पूरी सूख जाती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि पूरी बाली ख़राब हो जाती है, जितने दाने होते हैं सब खराब हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ दाने खराब हुए हैं। इसमें होता है जो हमारी गंधी बग कीट होता है ये सबसे ज़्यादा अटैक करता है। गंधी बग कीट हमारी जो फसल में जब दानों का भराव हो रहा होता है, दाने दुधिया अवस्था में होते हैं, तो उनके रस को चूस लेता है जिससे दाने थोथे खोखले रह जाते हैं और काले पड़ जाते हैं, तो ये भी हमारी पैदावार पर प्रभाव डालता है। तो इस समय आप अपनी फसल का निरीक्षण करें, अगर कहीं पर कीट दिखाई दे रहा है तो उसके लिए जो अच्छी कीटनाशकें आती हैं उनका प्रयोग करें। खासकर अगर तना छेदक कीट का अटैक दिख रहा है तो जितनी भी सिस्टमिक कीटनाशक आती है उसको डालें ताकि वो तने में जाकर के तने के अंदर जो बैठा कीट है उसको ख़त्म कर सके, और साथ में कॉन्टैक्ट भी मिलाएं। कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों होंगी तो आपका गंधी बग भी ख़त्म हो जाएगा, जो ऊपर रहने वाले कीट हैं और जो संपर्क में आते कीट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो तने के अंदर हैं या बाद में आने वाले कीट हैं तो उनसे भी बचने के लिए जो सिस्टमिक रहेगी वो हमारी फसल को सुरक्षित रखेगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात आती है सिंचाई। सिंचाई भी बहुत महत्व रखती है जब हमारी फसल में दानों का भराव हो रहा होता है। अगर इस समय हम अपनी फसल की सिंचाई नहीं करते हैं तो दानों का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है, दाने खोखले थोथे रह जाने का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो इस समय पानी की नमी बनाए रखें जब तक दानों का भराव हो रहा है, ताकि जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो पानी के साथ हमारी फसल को मिलते रहें, और पानी की कमी हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा थोथे आपकी फसल में होंगे, आपका जो दाना है वो हल्का रह जाएगा। तीसरे नंबर पर सबसे खास और अहम जो हिस्सा होता है वो है उर्वरकें। उर्वरकों में इस समय हमारी फसल को पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपकी फसल की हाइट थोड़ी कम है तो साथ में आप नत्रजन यानी यूरिया भी मिला सकते हैं। वैसे पोटेशियम की बात की जाए तो हमारी जो फसल में पोटेशियम जब हम डालते हैं तो उसमें दानों का भराव अच्छा होगा, दाने मोटे, वजन चमकदार होंगे, जिसके लिए आपको अगर आपकी फसल की हाइट जैसे कि मैंने अभी कहा कि छोटी है तो आपको साथ में यूरिया मिलानी है। यूरिया की मात्रा की बात करें तो 20 से 25 किलोग्राम यूरिया रखनी एक एकड़ में, और साथ में 15 से 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास आपको डालनी है। अगर आप रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, आपकी फसल में दानों का भराव होना स्टार्ट हो चुका है, तो चाहें तो आप NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें भी पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाई जाती है, 50% पाई जाती है, और ये भी हमारी फसल के दानों भरने में सहायता प्रदान करती है। तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। इस तरह से आप अपनी फसल में दानों का भराव अच्छा कर सकते हैं और पैदावार अच्छी ले सकते हैं।